दोस्तों 44-40 कंपोनेंट मैंने रखा है, अभी मैं आप लोग को वायरिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों अब चलते हैं, वायरिंग करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं इसमें जो है पावर स्विच का कनेक्शन लगा रहा हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर का और मेन लीड का कनेक्शन लगा दिया। अब दोस्तों इसके बाद RC में दोस्तों ग्राउंड का तार मैंने लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जो है दो रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जो 10K रेजिस्टेंस हम लगाते हैं जिसमें जिस पे हम माइक का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक चैनल पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक चैनल पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दोनों को मैंने सीरीज कर दिया। अब इस पे मैं माइक का कनेक्शन कर दिया। दोस्तों इस आप लोग देख सकते हैं, रेड कलर का तार जो DC का मैंने DC पे लगा दिया। उसके बाद दोस्तों RC पे लगा दिया दोस्तों, ओ सॉरी मैं DC माइनस पे लगा दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ग्राउंड लगाएंगे उसका जो है स्पीकर का। उसके बाद दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन मैंने कर दिया, थोड़ा सा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इसका दूसरा स्पीकर का कनेक्शन मैं कर दिया और ये हो गया, दूसरा कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों ये जो है इसको मैं जो है ये सब तार जो है एक स्लिप में डालेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा साफ वायरिंग हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग को भी अच्छा लगेगा देखने में दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने फास्ट वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोग को अच्छा लगे। दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा छील लेते हैं, थोड़ा सा छीलने के बाद उसके बाद फिर आप कनेक्शन करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही पावरफुल। दोस्तों ये वॉल्यूम का जो है सेकंड ऑडियो का तार मैंने लगा दिया। अब दोस्तों ये ग्राउंड लगा दिया और उसके बाद जो है ये बीच वाले जो है ऑडियो का तार लगा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीफायर की वायरिंग, क्योंकि दोस्तों कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ 10 मिनट से कम हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको टेपॉक्स स्विच का कनेक्शन कर रहा हूँ जो कट करता है ऑडियो। ये देखिए दोस्तों, LED का कनेक्शन कर रहा हूँ, रेड कलर और ब्लैक कलर का तार मैंने इस पर लगा दिया दोस्तों। और आप लोग तार देख कर वायरिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि दोस्तों मैं बता तो रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है बताने में, क्योंकि टाका लगाता हूँ फिर बताता हूँ, तो दोस्तों थोड़ी सी ऑडियो आगे पीछे हो जा रही है, तो इससे दोस्तों गलत मत समझना। दोस्तों माइक का भी कनेक्शन कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं एकदम बहुत आसानी से। अब इसको मैं स्लिप में डाल देता हूँ दोस्तों, स्लिप में डालने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वायरिंग साफ़ सुथरा हो जाएगी और आप लोग को भी थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा दोस्तों। दोस्तों इसको इस तरफ जो है डाल देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको कनेक्शन करेंगे। ये दोस्तों ये वाला कनेक्शन जो है आप लोग देख सकते हैं, RC चलाने के लिए है, जैसे कि RC जो है CD प्लेयर वगैरह, जैसे आप इसको जो है LED TV वगैरह कनेक्ट करके चलाते हैं, इसको चला सकते हैं RL तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है बास का कनेक्शन करेंगे, बस का वाइट वाला कनेक्शन तार, और उसके बाद दूसरा वाला, और इसके बाद जो है हरा वाला तार लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रेबल का कनेक्शन करेंगे, ट्रेबल का आप लोग देख सकते हैं एकदम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सीधा सीधा इसकी वायरिंग है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, एकदम सीधा सीधा वायरिंग होता है एम्पलीफायर का, थोड़ा सा आप लोग को समझना है बस। अब देखिए दोस्तों, वाइट वाला दूसरा तार लगा रहे हैं, ये भी लगा दिए, ये जो है हरा वाला तार लगा दिए, इसके बाद रेड कलर का। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी आपस में तार चेंज नहीं करना, नहीं तो वरना आपको बास टेबल सही नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये एकदम सीधा सीधा आपको जो है डूल पे भी लगाना है, और दोस्तों आपको बोर्ड पे भी जो 44-40 बोर्ड पे भी आप लोग को सीधा लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ये माइक सॉरी इसे जो है बैलेंस का कनेक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एकदम सीधा सीधा ब्लैक तार जो है बीच में लगा हुआ है, और साइड में जो है रेड और जो है दूसरा वाला तार लगा हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको स्लिप में डाल दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों थोड़ा सा मैं जो है अभी आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। अब दोस्तों इसको ग्राउंड कर दिया, जो USB से एरियल का तार लगा दिया, जो कि हम लोग FM एंटीना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ये आप लोग के बारे आप लोग को पता होगा। देखिए दोस्तों, ये इसको जो है ग्राउंड कर दिया, एक ग्राउंड और लगाएंगे दोस्तों, जो कि जो हम लोग दोस्तों जो है अब ये मैं दोस्तों इसको जो है एक 4K7 रेजिस्टेंस दो लगे हैं, और ये ग्राउंड जो है देखिए माइक पे हो गया। अब ये RL लेफ्ट राइट का तार लगा दिया, जो कि मॉड्यूल में लगाया जाता है, जिससे ऑडियो इनपुट होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक ग्राउंड लगाएंगे, जो कि जो USB से, जिसमें कि
दोस्तों प्रॉपर तरीके से चेसी ग्राउंड हो जाए, क्योंकि उसके वजह से दोस्तों हमिंग वगैरह नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको ग्राउंड को मैं स्लिप में डाल देता हूँ, इससे क्या है कि आप लोग को समझने में आसानी होगी और दोस्तों जैसे कि इससे ग्राउंड प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं इस तार को जो है थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, अब बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों पहले हम इसको जो है ट्रेबल का कनेक्शन करेंगे। ट्रेबल का कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, पहले ब्लैक तार उसके बाद रेड तार। आपको सीधी सीधी सारी तार लगानी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम सीधी सीधी लगाई जा रही है। दोस्तों कोई तार आपस में चेंज करेंगे तो आपका बास टेबल सही नहीं चलेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एकदम सीधा सीधा कनेक्शन किया जा रहा है, कर रहे हैं दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग सीख सकते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों। और दोस्तों ये कनेक्शन मैंने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने इस बैलेंस का कनेक्शन कराऊंगा। बैलेंस का ब्लैक तार लगा दिया, रेड तार लगा दिया, उसके बाद देखिए तीनों तार लगा दिए एकदम सीरियल वाइज से, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड लगा दिया, इसके बाद 5 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। 5 वोल्ट का ग्राउंड हो गया, 5 वोल्ट तार का लग गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसका जो है ऑडियो का जो है टेप बॉक्स उससे आया हुआ है, ये लगा दिए दोस्तों RL। और उसके बाद दोस्तों ये जो है LED का तार लगा दिया, उसके बाद ब्लैक तार लगा दिया ग्राउंड। अब दोस्तों माइक का जो है, जो माइक इन होता है इसके अंदर, उसके बाद इसका तार लगा दिया। उसके बाद जो है यहाँ माइक जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मैं वॉल्यूम का कनेक्शन कर रहा हूँ, वॉल्यूम का, ये दूसरे चैनल का कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका सेकंड ऑडियो का कनेक्शन कर दिया, आप लोग को दिखाया था जब आप लोग जो है वॉल्यूम का कनेक्शन कर रहा था। तो दोस्तों एकदम सीधा सीधा वायरिंग हो गया। अब दोस्तों इसका जो है ट्रांसफार्मर का जो है तार लगाएंगे, ब्लैक वाला आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का तार लगा दिया दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को जो है ज़्यादा बोरिंग ना लगे वीडियो, नहीं तो दोस्तों आप लोग छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों वीडियो। दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये देखिए माइक का जो है कनेक्शन कर दे रहे हैं प्रॉपर, आप लोग जो है देखकर आप लोग आसानी से कर लेंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये जो है डायोड पे लगा हुआ है, चार्जर 7 और 1 ग्राउंड, जो कि आप DC से चला सकते हैं आराम से। दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन एक चैनल का हो गया, अब दूसरे चैनल का कनेक्शन स्पीकर का ये भी कर दिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों। देखिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट इसलिए बनाया कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप लोग को सीखना है तो थोड़ा सा बीच बीच में रोक के आप लोग जो है चलाएंगे तो आप लोग जो है आप लोग आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं फास्ट वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग प्रॉपर नहीं देखेंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं यही सोचा कि 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप लोग को भी आसानी लगे सीखने में। अब दोस्तों इसको मैंने टाइट कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को लेके आऊँगा कि आप लोग को इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा, साउंड वगैरह जो है चला के दिखाऊँगा दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें।